पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। आई नो कि जोश अलग है, बहुत इम्पल्सिव है, इम्पेशेंट है, पर जो भी है वो मेरा है ना, मैंने उसे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया। हाँ हाँ मैं समझ गया प्राची, अब तू मेरी बात सुन। नहीं तू मेरी बात सुन, जब तू मुझे छोड़ के गया ना, मीन तुम सब मुझे छोड़ के गए ना, एक्चुअली जोश मेरे साथ था, ही वॉज माई रॉक, तुम सब मुझे छोड़ के चले गए। आई मीन अगर वो नहीं होता ना तो मैं ना बिखर जाती। प्राची मैंने तेरी सारी बातें सुनी, अब तू मेरी बात सुन, सो जा, हमें सुबह जल्दी निकलना है यहाँ से, ओके? तुझे निकलना है, मुझे नहीं। जब तक मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व ना करूँ ना राघव, मैं एक्चुअली कहीं नहीं जाने वाली। यू नो मैंने सबकी बातें सुनी, उन सबको लगता है कि जोश की वजह से सब हुआ है, और मैं उन्हें ना गलत प्रूव करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जोश ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, जोश ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। तो जब तक मैं इस प्रॉब्लम को ना सॉल्व करूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। मुझे क्या लगता है कि मैं अगर किसी को लव करती हूँ तो मतलब इसका मतलब ये है कि वो गलत इंसान है। बस 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 प्राची, अब तू रोना शुरू मत कर देना प्लीज, ओके? अब तू बता कि मैं गलत हूँ क्या? मैं हर बारी हमेशा क्यों गलत होती हूँ? तू जानना चाहती है व्हाट आई रियली थिंक? यस आई टेल यू, पर प्रॉमिस मी उसके बाद तू पक्का सो जाएगी। प्रॉमिस। प्राची सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तेरे लिए ना तेरी हैप्पीनेस और तेरी खुशी होनी चाहिए। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं, तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तू हमेशा बस वही कर जो तेरा दिल चाहता है, हमेशा बस अपने दिल की सुनो। हमेशा अपने दिल की सुनो, बस अपने दिल की। थैंक यू राघव, मुझे पता है कि वर्ल्ड का बेस्ट एडवाइस ना तू ही देता है। अब मैं अच्छी तरह से सोच सकती हूँ बिकॉज मुझे पता है कि तू है। आज प्राची ने फिर से वही बात रिपीट की, जब हम उसे छोड़ के चले गए थे जोश ने उसे सपोर्ट किया, उसके बिना वो टूट जाती। मैं क्यों छोड़ के गया प्राची को, मुझे उसके साथ होना चाहिए था, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। कैसे हैंडल किया होगा उसने सब कुछ अकेले, मैं कैसे नहीं समझ पाया। आज के बाद इस घर के आसपास भी मत दिखना, समझा? नहीं राघव, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबा कर ही रख। जो दीवार तूने अपने दिल के आसपास बनाई है, अगर वो टूट गई तो तू सह नहीं पाएगा, तू फिर से पुराना वाला राघव नहीं बन सकता। एकदम स्पाई वाली फील आ रही है, मैं तो टाइगर और पठान से भी अच्छा एजेंट बन सकता हूँ, है ना? लग रहा है। इस घर में जो कुछ हो रहा है ना, वो मैं सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के रहूंगा, इवन जो दरवाजे के पीछे हो रहा है वो भी पता लगाऊंगा। यार जस्ट इमेजिन माहिर, जब जोश ब्रो को बताऊंगा तो कितना खुश होगा, शाबाशी देगा, वाह मनाएगा। फर्स्ट टारगेट राघव करूं। आधी रात हो गई, ये राघव कहाँ गायब है? ये अभी तक घर नहीं आया क्या? नीचे जाके देखता हूँ। राघव मैं आ रहा हूँ। ये रहे मेरे घोड़े के 2.5 स्टेप। अंगद तू गधा है क्या? हाँ ये हाथी है, घोड़ा चलता है 2.5 स्टेप से यार। ओ तो कुछ नहीं होता, मैं घोड़े को चला देता हूँ, ये ले। यार, I don't wanna play. अरे गलती होगी, मैंने घोड़े को गधा बोल दिया, I mean, sorry, घोड़े को मैंने हाथी बोल दिया यार। मतलब सुन मैं वैसे भी जीतने वाला नहीं था, तू शोर विनर क्यों है? अंगद यार तुझे मुझे देखकर कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि मैं मस्ती के मूड में, मैं मस्ती के मूड में नहीं हूँ, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। एक तो ये राघव कब से फोन नहीं उठा रहा है, उसे कितनी बार कॉल कर चुकी हूँ यार। बहुत बार कॉल किया तूने राघव को? हाँ 50 बार, और उसने एक बार भी कॉल नहीं उठाया। 50 बार? हाँ। अगर देख मुझे पता नहीं होता ना तू प्राची से बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो मैं इस बिहेवियर को ना एक ऑब्सेस टॉकर वाला बिहेवियर बोलता, मतलब जैसे SRK करते थे ना किरण, वैसे तू आ राघव ना करने लगे। तुझे ना मैं थोड़ा थोड़ा से थप्पड़ मारूंगी यार। क्या यार अंगद,
तुम तू स्ट्रेस मत ले, मैं कॉल करता हूँ, मेरा कॉल वो उठा लेगा। अच्छा तेरा कॉल उठाएगा? हाँ रुक जा, लगा के देख। हाँ ये ले, लगा लिया। हेलो, सच में उठा लिया? हाँ। ओए सुन, हेलो राघव। राघव तू कहाँ है यार, मैंने तुझे कितनी बार कॉल किया, तूने मेरा एक बार भी फोन नहीं उठाया यार। तुझे पता मैं कितने स्ट्रेस में हूँ, तू एक काम कर, तू वीडियो कॉल पे आ और देख मैं कितने गुस्से में हूँ। फोन उठा। ओके। ये तो पीहू की आवाज लग रही है, ये इतने गुस्से में किससे बात कर रही है? जरूर नीचे कोई ड्रामा हो रहा है, लेट मी फाइंड आउट। प्राची ताड़ी को नारियल पानी समझ के पी गई। अब समझ में आया कि मैं फोन क्यों नहीं उठा रहा था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा हमारी भोली प्राची ताड़ी नारियल पानी समझ के पी गई। इट्स नॉट फनी अंगद यार। थोड़ा फनी तो है यार। पीहू प्लीज इग्नोर हिम। राघव यार मुझे सच में बहुत स्ट्रेस हो रहा है कि पी वहाँ फंसी हुई है। मुझे एक बात बताओ, तुम लोग वहाँ गए क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? हाँ तुम्हारी वजह से। एक मिनट, तूने भी ताड़ी पी के रखी है क्या? जब तुम लोग जोश को ब्लेम कर रहे थे स्ट्राइक के लिए ना, तब प्राची ने डिसाइड कर लिया था कि वो स्ट्राइक जब तक खत्म नहीं करेगी तब तक घर वापस नहीं आएगी। अभी मुझे उसके साथ रुकना पड़ेगा बिकॉज शी इज नॉट सेफ हियर। हम सुबह डिसाइड करेंगे करना क्या है। आई विल अपडेट यू गाइस। ओके इससे अच्छा और राघव तो वहाँ चला गया। प्राची ये स्ट्राइक वर्कर्स काफी रिस्की मामला है, पता नहीं अकेले कैसे मैनेज करती। सुन पीहू और मैं वहाँ पे आ जाते हैं, मिलके मैनेज कर लेंगे। ये तू पागल है क्या अंगद यार? ये मिस्टर कपूर को कौन संभालेगा? हाँ उन्हें शक हो गया तो? वैसे भी उनकी हालत ठीक नहीं है, हम नहीं जा सकते वहाँ पे। सुन पीहू सही कह रही है, तू प्राची के साथ रहे और सब सॉर्ट कर ले। हाँ मैं कर लूंगा। राघव एक बार प्राची को दिखाना प्लीज। उसने ताड़ी पी हुई है, अब रात भर ऐसी सोने वाली है। ताड़ी, प्राची। मैंने डिसाइड किया कि रात भर हम यहीं रुकेंगे, सुबह मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर। राघव प्राची साथ में रात में, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। जोश ब्रो को बताना होगा, पर नहीं बताना तो मेरी बहन बचा देगा। जोश ब्रो, जोश ब्रो। अंगद तूने सुना ना राघव ने क्या कहा? वर्कर्स धमकी दे रहे हैं। आई एम वेरी श्योर इन सबके पीछे ना जोश ही है। जोश ने इन वर्कर्स को इंस्टिगेट किया होगा, वरना इन वर्कर्स की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे अगेंस्ट जाके स्ट्राइक पे चले जाए। तू सही कह रही है, जोश की हिम्मत बढ़ तो गई है और बढ़ेगी भी क्यों नहीं यार। वो गलती पे गलती करता है, कोई पॉइंट आउट करता नहीं उसकी गलती, उसे लगता है कुछ भी करेगा बच जाएगा। यू हैव अ वैलिड पॉइंट, लेकिन हम उसकी गलतियां नोटिस करवाएंगे, सच को सामने लेकर आएंगे। इस बार ये जोश नहीं बचेगा। आओ मेरा सर, आओ। राघव, राघव आ। राघव मैंने कार सर्विसिंग कंपनी को कॉल कर दिया है, वो तुम्हारे कार को पिकअप कर देगा और आता ही होगा। तुम्हारे लिए चाय सैंडविच लाया हूँ, प्लीज कुछ खा लेना। कल रात तुमने ताड़ी पी थी, वो अल्कोहल थी, उसके बाद यू नीड टू ईट वरना बहुत हेडेक हो जाएगा। दिखाओ क्या पी रही हो। लोकल वेंडर का फर्स्ट फ्रेश कोकोनट जूस। प्राची ये ताड़ी है। हाँ मैंने तो ताड़ी पी थी। Oh my God, मैंने क्या कहा होगा, मैंने क्या बोला होगा, सब कुछ ब्लैंक है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके प्राची कपूर रिलैक्स, बहुत हेडेक है। ओके कुछ पी ले, यू विल फील बेटर। आप लोग क्या चाहते हो, या आप लोगों को ज्यादा पैसे मिले तभी आप काम शुरू करोगे ना? ठीक है मिल जाएंगे,
करो काम शुरू। ना आसान है क्या? क्यों माने हम तुम्हारी बात? भाइयों, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। अचानक कैसे मान गए? तुम हो कौन जो हमें पैसे के जोर पे खरीद लेना चाहते हो? हम तुम्हें जानते नहीं, कैसे भरोसा कर ले? मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इससे क्या लेना देना? तुम लोगों को पैसों से मतलब है ना, तो जैसा कि मैंने कहा, तुम लोगों को पैसे मिल जाएंगे, वो भी डबल। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।